दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं मिर्च के प्लॉट में, और मिर्च के प्लॉट में हमें देखने को मिल रहा है कि मिर्च का जो पत्ता होता है वो कभी कभी नीचे की तरफ मुड़ जाता है या फिर कभी कभी ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। और ये 2-3 दिन बाद जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से हो जाता है। और इसके ऊपर किसान भाई बहुत ही अलग अलग दवा छिड़काव करते रहते हैं लेकिन इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक दवा के बारे में बात करेंगे जो कि वो दवा फुल्ली ऑर्गेनिक होता है, और उसको आप लोग छिड़काव करके कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं आज हम कंप्लीट में आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लीफ कर्ल वायरस क्या होता है। लीफ कर्ल वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि मिर्च के फसल के अलावा शिमला मिर्च के फसल में भी देखने को मिलता है, या फिर कभी कभी आप लोगों को करेले की फसल में भी देखने को मिलता है, या फिर और भी विभिन्न फसल में देखने को मिलता है। और किसान भाई इसके ऊपर बहुत ही अलग अलग दवा छिड़काव करते रहते हैं लेकिन इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो इसको आज हम आप लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी एक ऑर्गेनिक दवा को छिड़काव करके आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बाद में बता रहे हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि लीफ कर्ल वायरस कितने प्रकार की होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मिर्च के पौधे का जो पत्ता होता है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ये जो आप लोगों को पौधा देखने को मिल रहा है ये आप लोगों को नीचे की तरफ मुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो आखिर नीचे की तरफ ही क्यों मुड़ता है या फिर ऊपर की तरफ ही क्यों मुड़ता है वो अभी आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का मिर्च के फसल में जो थ्रिप्स का प्रकोप होने का देखने को मिलता है और वो अगर आप लोगों का किसी भी पौधे में अटैक कर देते हैं तो वो जो पौधे का पत्ता होता है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि वो थ्रिप्स पत्ते का जो क्लोरोफिल होता है वो उसको चूसते रहता है और जिस वजह से पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। उसके साथ साथ माइट का जब प्रकोप होता है किसी भी पौधे में तो वो क्या करता है, वो भी पत्ते का रस चूसते रहता है और धीरे धीरे वो पत्ता नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तब हम लोगों को समझ में आ जाता है कि पत्ता जब ऊपर की तरफ मुड़ता है तो उसमें हमारा थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है, और जब नीचे की तरफ मुड़ता है तब हम लोगों को पता चलता है कि इसमें माइट का प्रकोप हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्च में या फिर शिमला मिर्च के फसल में ये बीमारी कब और कैसे फैलता है। तो शुरू शुरू में दोस्तों आप लोगों का मिर्च का पौधे का जो नया नया पत्तियाँ निकलता है, कोमल पत्तियाँ, तो उस पत्तियों पर ज़्यादा अटैक होता है मिर्च में और शिमला मिर्च में, और वो जो कोमल पत्तियां होता है उसका जो रस होता है वो चूसने में भी थ्रिप्स और माइट्स को मजा आता है और इसीलिए उस पत्तियों पर ज़्यादातर अटैक करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी ऑर्गेनिक दवा को छिड़काव करके। तो यहाँ पर हमने एक दवा लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये है एच एम ऑर्गेनिक का बायरोफिन नाम का एक दवा, जो कि एक ऑर्गेनिक दवा है और ये एक टॉक्सी फ्री दवा है। तो इसको अगर आप लोग सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये आप लोगों को कंट्रोल कर देता है। तो इसको हमने बहुत ही अलग अलग फसल में ट्राई किए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग मिर्च के फसल में इसको छिड़काव किए हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो 7 दिन बाद हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो कंट्रोल होता है वो हो चुका है लेकिन उतना शानदार रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी दवा को हमने जब सेकेंड टाइम रिपीट कर दिए हैं तब हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है लगभग 12 से 15 दिन बाद। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 12 से 15 दिन पहले कुछ इस तरीके से था मेरा मिर्च का पत्ता, और यहाँ पर 12 से 15 दिन बाद छिड़काव करके दो बार रिपीट करने के बाद इस तरीके से हो गया है, यानी कि पौधे का जो पत्ता है वो धीरे धीरे पत्ता मुड़ना भी कम हो गया है और वहाँ पर धीरे धीरे जो कलियाँ होता है वो भी निकल रहा है, यानी नया नया ब्रांच भी आ रहा है। तो इस दवा को दोस्तों अगर आप लोगों को छिड़काव करना है तो 15 से 16 लीटर का जो पंप आता है उसमें आप लोगों को 20 ml छिड़काव करना है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ आप लोगों को किसी भी पेस्टिसाइड को नहीं मिलाना चाहिए, और ये एक ऑर्गेनिक होता है इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों कि पेस्टिसाइड को अगर मिलाते हैं तो उसमें आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और ये एक ऐसा दवा आती है जो कि इसको आप लोगों को 2 बार स्प्रे करना है, एक बार अगर आप लोग स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है जो कि ये एक बार में विभिन्न रोगों को कंट्रोल करता है, इसीलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और उसके साथ साथ इसको आप लोग प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से स्प्रे कर सकते हैं, दोनों में शानदार रिजल्ट मिलता है। यानी कि अगर आप लोगों का पौधे में किसी भी तरीके का रोग बीमारी नहीं लगा है और आप लोग एच एम ऑर्गेनिक का जो बायोफ्रीन नाम का दवा आती है इसको छिड़काव करते हैं तो उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का रोग बीमारियों का अटैक नहीं होने देता है। और अगर आप लोगों का रोग लग चुका है और उसको आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं ऑर्गेनिक दवा को छिड़काव करके, तब भी आप लोग एच एम ऑर्गेनिक कंपनी का बायोफ्रीन नाम का दवा को छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो शानदार रिजल्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग कैसे मंगा सकते हैं।
तो दोस्तों इसको मंगाने के लिए जैसे कि हमने अमेजोन से मंगाया है, आप लोग भी अमेजोन से मंगा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग agribagri.com से मंगाना चाहते हैं तो भी आप लोग मंगा सकते हैं, और उस दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ पर आप लोग जाके क्लिक करके मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग लिपकाल वायरस को कंट्रोल करना चाहते हैं ऑर्गेनिक दवा को छिड़काव करके, तो आप लोग HM ऑर्गेनिक का बायोप्रिन नाम का दवा को छिड़काव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।